Bismillah. Assalamualaikum sab doston ko. Main jaan sab ke aise honge. Aaj hai zuban master mere lesson ke saath. Aaj hum padhenge ji apna agla lesson ji Korean ginti ke mutalliq. Korean ginti ka do tarah ki hai, pure ek sign. Ek pure Korean ginti ek sign Korean ginti. Aur aaj hum padhenge ji pehle sign Korean ginti. Usse pehle uske thode se rule hain. Bole the hain कोरियन गिनती में कोरियन गिनती में दो हिंसों को मिलाकर ना लिखना है ना बोलना है। ये पहला रूल है जी कोरियन गिनती का। कोरियन गिनती में दो हिंसों को मिलाकर लिखना है ना बोलना है। साइन ऑफ कोरियन मिलाकर ना लिखना है ना बड़ी रकमों को लिखते वक्त ही रकम या रकमों को लिखते वक्त रकम या रकमों को लिखते वक्त बड़ी रकम से तरबियतवार छोटी रकम की तरह माना है। पर रकम को लिखते वक्त बड़ी रकम से तरबियतवार छोटी रकम की तरह माना है। नंबर तीन जी ठीक रकम को लिखते वक्त पहले तदाद साधनों का जिक्र करना रकम को लिखते वक्त पहले तदाद सात यूनिट का भी जिक्र करना है। नंबर चार जी एक के लिए एल का लफ्ज ए के लिए इलका लफज ए के लिए इलका लफज स्वायर पाई है। अकाई के ना लिखना है ना बोलना है। ए के लिए इलका लफज स्वायर पाई है ना लिखना है ना बोलना है। सिर्फ यूनिट का जिक्र करना है। एक के लिए का लफ्ज को एक आएंगे ना लिखना है ना बोलना है। सिर्फ यूनिट का जिक्र करना है। नंबर पांच में जी कोरियन गिनती में सिफर यानी जीरो डेड फिगर है।
ना लिखने में ना बोलने में। बड़ी अक्षरों की बुनियाद मान है, बड़ी अक्षरों की बुनियाद मान है। ये है जी थोड़े से रूल है कोरियन गिनती के, यानी कि गिनती शुरू करने से पहले ये रूल जरूर आने चाहिए। ये लिखकर इनको देखा गिनती बहुत आसान से आ जाती है। आज हम पढ़ेंगे कि साइन, साइन ऑफ कोरियन। साइन ऑफ कोरियन कौन देंगे? एक इल, दो गने एल ई, तीन को सम, सम चार को सा, सियत आसा पांच को ओ, ये उर्दू में ऐसे करेंगे तो इल ई सम सा ओ, ये उर्दू की सोने ऐसे इसलिए पांच अगर छह हो गया शुरू करें युक, सात हो गए सात को कहते हैं छिल, छिल आठ को फल, नौ करने हैं खून, खून और दस को कहते हैं शी, शेप। उर्दू में इसकी बात होगी जो इसकी बात होगी छिल, इसकी बात हुई फल, इसकी बात हुई खूब और इसकी बात हुई शेपी। यहाँ पे तीसरी बात नहीं है पे छिल नहीं करना, इल ई साम सा ओ युक छिल फल खो शिप, ये होगी दस। इसी तरह ही आती है शिप इल, जैसे हम पढ़ते हैं स्कूल में दस एक ग्यारह दस दो बारह, इसी तरह ये शिप पिल शिप ई शिप साम, इसी तरह बीस को जाकर बीस से आगे हो जाएगा जी ई शिप, यानी कि बीस हो जाएगा ई दो और शिप चार करेगा दस को, तीस को कहेंगे इसलिए चालीस को साशिप कोशिप ई शिप फिर इल, बीस एक इक्कीस इसलिए तीस सामशिप इल सामशिप ई इकतीस बत्तीस तैतीस सौ तक चली जाए, यानी कि नाइनटी
नाइन को कहते हैं को शेप को। कोरियन गिनती में दो हिंसों को मिलाकर ना लिखना है ना बोलना है, को नाइन शिप दस को जाहिर करेगा नब्बे और को नाइन नाइन नाइन। सो वो कहते हैं एग इसी तरह सो सो से आगे हजार हजार कहते हैं चौन। एक हजार दस इसके बाद मान आ जाएगा, मान कहते हैं दस हजार को, मान कहते हैं दस हजार पूरी गिनती फाइनल पूरी गिनती बहुत छोटी है। ये हो गई हमारी आज इनके एक हजार तक एग्जांपल्स है। कहते हैं सौ को है इल, जैसे कि लिखना हो है इल एक सौ एक लिखना हो वो ऐसे लिखा जाएगा है यानी कि सौ। और एक एक सौ एक लिख दिया है भी एक सौ एक हो गया। जीरो कोरियन गिनती में डेड फिगर है, ना लिखने में ना बोलने में। इसी तरह वो ये एक हजार एक हजार और छंद नौ हजार तक जितने चलेगी एक लफ्ज है जी नौ हजार नौ सौ निन्यानवे नहीं दस हजार से एक इंसान कम नौ हजार नौ सौ निन्यानवे वो इस तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले को छन ये हो गया जी नौ हजार, इस तरह भी नौ सौ को है ये हो गई नौ हजार नौ सौ। आगे था नब्बे और नौ नब्बे खुशी और फिर लास्ट में को। उसके बाद देखा दस हजार बड़ी रकमों की माँ अपनी आते हो दस हजार दस हजार से मिला कर रकम शुरू हो जाती है। और ये कोरियन टाइम में भी मिनटों में इस्तेमाल होती है और जो प्योर है वो घंटे के लिए और उम्र के लिए इस्तेमाल होती है। ये था मेरा आज का लेसन, फिर मिलेंगे अगले लेसन के साथ।